हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नोके चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए एक नई वैकेंसी की अपडेट। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी की अपडेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो है महाराष्ट्र पुलिस भर्ती के जो है काफ़ी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका था, अभी तक महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल की जो है भर्ती नहीं आई थी। तो फाइनली जो है महाराष्ट्र पुलिस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है, क्या एलिजिबिलिटी लगेगी आपको, क्या क्या फिजिकल क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सारा सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर आप जरूर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने स्मार्ट नोकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नोकी चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुंबई है। हम यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बताएंगे, देखिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट निकली है। तो मुंबई में देख लीजिए 1076, जी हाँ दोस्तों 1076 पोस्ट टोटल निकली है मुंबई के लिए। ठाणे के लिए निकली है 100 पोस्ट, पुणे शहर के लिए 214, पिंपरी चिंचवड़ के लिए निकली है 720, नागपुर शहर वालों के लिए निकली है 288, नवी मुंबई के लिए निकली है 61, औरंगाबाद शहर के लिए निकली है 91। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ सोलापुर के लिए निकली है 67, मुंबई रेलवे के लिए निकली है 60, रायगढ़ के लिए निकला है 81, पालघर वालों के लिए निकला है 61, सिंधु दुर्ग के लिए निकला है 21, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के लिए निकला है 66, जलगांव के लिए निकला है 128, धुले के लिए निकला है 16, नंदुरबार के लिए लिया है 25, कोल्हापुर के लिए निकला है 78, पुणे ग्रामीण के लिए निकला है 21, सातारा के लिए निकला है 78, सांगली के लिए निकला है 105, जलाना के लिए निकला है 14, भंडारा के लिए निकला है 22, पुणे रेलवे के लिए निकला है 77, और टोटल जो पोस्ट हो जाएगी हमारी टोटल काउंटिंग, जी हाँ दोस्तों 3450। तो 3450 पोस्टों के लिए जो है टोटल पोस्टों के लिए निकाली गई है ये भर्ती। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी वैकेंसी है मुंबई पुलिस के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस के लिए बहुत ही अच्छा जो है मौका है आप सभी के लिए, जितने भी युवा हैं जो काफ़ी लंबे समय से जो है फिजिकल की तैयारी करते हैं कि वो कांस्टेबल या पुलिस की भर्ती में जा सके, तो ये सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके अंदर की और भी क्राइटेरियो के बारे में जानने के लिए। तो आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट मैंने आपको बता दिया 3450। नेम ऑफ पोस्ट है आपकी पोस्ट पुलिस कांस्टेबल, जी हाँ दोस्तों पुलिस कांस्टेबल, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 12th पास। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 12th पास किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और कोई भी आपको एजुकेशनल या एक्सटर्नल जो है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए आपके लिए। अब बात करते हैं हाइट के लिए, तो हाइट आपको देखिए मेंस के लिए जो भी जितने भी मेल हैं उनको 165 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, उससे नीचे नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, 164 भी अगर आप होगा तो आप छट जाएंगे। तो इस फॉर्म के लिए आपको 165 सेंटीमीटर मेल के लिए चाहिए, अगर आप फीमेल से बिलोंग हैं तो आपके लिए 155 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो मेल देख लीजिए 79 सेंटीमीटर जो है विदाउट एक्सपेक्टेंस, जी हाँ यानी कि 79 सेंटीमीटर जो है आप बिना फुलाव के आपका होना चाहिए, फुलाने के बाद आपको पता है 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। तो 79 सेंटीमीटर अगर आपका चेस्ट है और आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है और आपके पास 12वीं का सर्टिफिकेट है, तो दोस्तों ये फॉर्म आपके लिए ही बना है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पे हुआ है जो आपके लिए बहुत अपडेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब उसके बारे में जानना। तो रनिंग की पहले बात कर लेते हैं, तो 1600 मीटर रनिंग होगी मेल के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेल हैं और आपने इस फॉर्म को भरा है तो आपको 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर का जो है रनिंग होगा, और अगर आप फीमेल बिलोंग्स करते हैं तो आपको 800 मीटर की रनिंग होगी। रनिंग शॉर्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं, ये लॉन्ग था दोस्तों। अब रनिंग शॉर्ट में देखिए आपको 100 मीटर की रनिंग होगी मेल के लिए और 100 मीटर जो है फीमेल के लिए भी होगी, और इसके लिए मिलेंगे आपको 10 मार्क्स और 30 मार्क्स मिलेंगे आपको 1600 मीटर रनिंग के लिए मेल वालों के लिए, और फीमेल से बिलोंग करते हैं तो आपको 800 मीटर की जो है मिलेगी। तो इस प्रकार देखिए बॉल थ्रो जो है ये भी होगा आपका, इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों जन के लिए होगा, और टोटल आपके जो फिजिकल के मार्क्स हो जाते हैं वो जाते हैं 50 मार्क्स। अब आ जाते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट में आप देख सकते हैं 18 से लेकर 28 साल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज आपके 28 साल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसके ऊपर या उसके नीचे आप फॉर्म इसको नहीं भर सकते। हाँ, आपको अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का जो है रिलैक्शन मिलेगा, यानी कि आप 28 में 5 प्लस करके जो ऊपर का है वो आप भर सकते हैं, यानी कि 33 आप समझ लीजिए।
और जॉब लोकेशन जो आपकी रहेगी वो रहेगी ऑल महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में आपको कहीं पर भी जॉब दी जा सकती है। जो मैंने आपको अभी शुरू में जो डिस्ट्रिक्ट बताया वहाँ सभी में आप जो है जॉब के लिए आपको बुलाया जा सकता है या फिर आपको जॉब मिल सकती है। बात करते हैं फीस की, तो ओपन कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 450 रुपये फीस है और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 350। यानी कि अगर आप ओपन कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे तो आपको 450 रुपये की फ़ी जो है पे करनी होगी और अगर आप रिजर्व से हैं तो आपको 350 रुपये। अब बात करते हैं डेट्स की। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख लीजिए। 23 सितंबर जो है आपका जो है लास्ट डेट है, यानी कि 23 सितंबर, और आज ऑलरेडी जो है 3 सितंबर हो चुका है दोस्तों। यानी कि टोटल 20 दिन का समय आपको दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस 20 दिन के अंदर इस फॉर्म को आपको भरना है कम्प्लीटली और आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑनलाइन जो है फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं वो बताने वाले हैं और उसमें आपको बताएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मेंशन रखनी है और इस फॉर्म में आपको कोई भी गलती नहीं करनी। जी दोस्तों, अगर एक भी फॉर्म में अगर आपने मिस्टेक कर देते हैं उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो भी आपको जो है बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। इसलिए एक गलती से आपका जो है फॉर्म पूरा कैंसिल हो सकता है। इसलिए फॉर्म को भरने से पहले थोड़ा पेशेंस के साथ आराम से, जिसको जानकार हो, जी हाँ दोस्तों जिसको नॉलेज हो उसी के साथ जो है आप मिलकर फॉर्म भरिए या फिर आप साइबर कैफे में जाकर वहां से फॉर्म भर सकते हैं। मुझे काफ़ी दोस्तों का कमेंट आया कि सर हमारा फॉर्म एक गलत हो गया था जिसकी वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो दोस्तों, वो गलती आपसे ना हो इसके लिए हमने इस वीडियो को बनाया कि आपको भी इस फॉर्म को अगर भरते हैं तो इस फॉर्म को भरने से पहले जो है किसी जानकार के पास जाइए या फिर किसी अपने दोस्त से या फिर साइबर कैफे से ही थ्रू इसको फॉर्म को भरिए। अगर आपको नहीं आता और आप सोचते हैं कि मैं ट्राई करके हो जाएगा तो बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक जो है आपको फॉर्म को कैंसिल करा सकती है। अब बात करते हैं, देखिए पुलिस भर्ती के लिए, देखिए मुंबई पुलिस भर्ती, थाने पुलिस भर्ती, पुणे पुलिस भर्ती, रत्नागिरी, नांदापुर, कोल्हापुर, सोलापुर, मैंने आपको टोटल जितने भी हैं आपको पूरा का पूरा भर्ती जो है मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको इस सभी जगहों पे जो है भर्ती निकली और कितनी पोस्ट है ये सारा डिटेल्स आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन में भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा, तो दोस्तों इसको लाइक करना ना भूलें और दोस्तों इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दीजिए, क्योंकि अगर लास्ट डेट का आप संवेदन करते हैं तो लास्ट डेट के समय क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है, किसी ना कुछ कारण होता है जिसकी वजह से आपका फॉर्म छूट सकता है। इसलिए मेरा उम्मीद के है कि आपसे जो है कि आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द यानी कि 10 से 12 दिन के अंदर ही इस फॉर्म को भर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ।